हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुगंध काम्बोज। गाइस, दिवाली आ रही है तो दिवाली पे डेकोरेशन करनी बनती है। हर साल अपने घर में जो डेकोरेशन है वो मैं ही करती हूँ, तो इस बार भी वो जुम्मा मुझे ही मिला है। तो सबसे पहले मैं अपने घर की जो है लाइटिंग लगाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, घर में लाइट लगाने के साथ अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, मैंने लाइट्स लगाई और ये कुछ इस तरीके से जो मैंने लाइट्स लगाई है कुछ इस तरीके से मेरे घर का जो फ्रंट एरिया है मैंने कवर किया लाइट्स, और मैंने फ्लावर्स जो बनाए थे अपने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो ये मेरा फ्रंट एरिया हुआ कंप्लीट। सबसे पहले मैंने ये इस तरह से लाइट्स लगाई, उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से ग्रास उस पर जो है पेस्ट करनी शुरू कर दी है। तो ये जो मेरे पास ग्रास पड़ी हुई है ये सारी मैं वन बाय वन सेट करनी शुरू कर दूँगी इनके ऊपर। तो देखिए, तो गाइस ये मेरा बैकड्रॉप रेडी हो गया है। मैंने ये ग्रास लगाई और ग्रास के पीछे मैंने ये फेरी लाइट लगाई है। तो देख सकते हैं आप, ये फेरी लाइट लगाई है तो कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। यहाँ मैं अब इसके मैं ऊपर भी कुछ करने वाली हूँ, तो देखेंगे कि क्या करेंगे। फ़िलहाल ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो गाइस, उसके ऊपर मैंने लोटस लगाए जो मैंने कार्डबोर्ड के बनाए थे। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा बैकड्रॉप रेडी हुआ है। तो उसके बाद मैंने जो मेरे बाहर का एरिया है उसमें मैंने इस तरह से ये मालाएँ पुराने वाली थी इनको फिर से लगाया, और ये कुछ इस तरीके से जिधर मेरा पूजा का है वो और जिधर से हम पूजा के रूम में आएंगे वो मैंने पूरा अच्छे से जो है डेकोरेट किया। ये मैंने जीने को अच्छे से डेकोरेट किया और इस जगह पे मैं अपनी रंगोली बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट स्केचिंग कर दिया है, और स्केचिंग करने के बाद मेरे पास कुछ कलर्स हैं जो मैं लेकर आई थी मार्केट से, कुछ मेरे पिछले साल के भी थे, तो वो सब मैंने मिक्स कर लिए हैं और बहुत सारे मेरे पास कलर हो गए और मैं अपनी रंगोली अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने जो है अपनी रंगोली स्टार्ट कर दी है। तो ये मैंने एक लेडी बनाई है जिसके हाथ में दिया है और साइड में एक मोर बनाया है। तो मैं कुछ इस तरीके से अपनी रंगोली जो है रेडी कर रही हूँ। गाइस, मुझे ये रंगोली रेडी करने में 3 घंटे लगे हैं पूरे। पूरा मैंने ये अच्छे से मतलब क्लीन तरीके से बनाया है कि अच्छे सब अच्छी तरीके से एक आउटिंग वगैरह करी है हर एक पोर्शन की इसके। तो ये पूरी की पूरी रंगोली मुझे जो पूरी रेडी हुई है वो मेरी 3 घंटे में रेडी हुई है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आउटिंग करने के बाद मेरे को इसका एक मैट भी बनाना था, तो मैंने ये फाइनली अपनी रंगोली जो है कंप्लीट कर दी है। तो कुछ इस तरीके की मेरी रंगोली लग रही है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गई है डन, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। फर्स्ट लुक मेरे घर का है जिधर मैंने लाइटिंग लगाई है। उसके बाद हम अंदर चलते हैं, अंदर हम एंट्रेंस पे चलते हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड से बनाए हैं इस तरीके से, ये आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ये ओम वाली वीडियो भी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो मैंने जो अपना पोर्च एरिया वो इस तरीके से रेडी किया है, जो हम मंदिर जिधर मेरा बनेगा जिधर पूजा होगी उसको मैंने ऊपर जाने का जो वे है वो फूलों के साथ, और इस साइड पे मैंने अपने जो पुराने मेरे बने हुए थे क्राफ्ट मैंने उन्हीं को यूज़ किया है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा जाल में जाल टाइप में बना दिया है मैंने। उसके बाद ये अंदर, और ये फाइनली मेरी ये रंगोली आ गई है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है। और ये मेरा बैकड्रॉप है और एक छोटा सा हमने मंदिर यहाँ पे बनाया है जिसके सामने हम दिया रखकर जो है पूजा अपनी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।